Hello everyone and welcome to the sessions of Determiners. देखिए हम English grammar में basically बहुत सारे topics देखते होते हैं कि जिनकी अगर हमें knowledge हो तो हम बहुत ही आसानी से English को समझ भी सकते हैं और English में हम अगर किसी भी सेंटेंस को बोलना चाहें या सिंपल सी बात इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट इन इंग्लिश इंग्लिश में बात करने के लिए सबसे ज्यादा सबसे पहले हमें इंग्लिश के वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। जितनी ज्यादा हमारी वर्ड पार अच्छी होगी मतलब जितना ज्यादा हमारा शब्द कोश बड़ा होगा एक तरीके से यूं कहेंगे तो उतना ही बेटर तरीके से हम इंग्लिश में इंटरैक्ट कर सकते हैं इंग्लिश में की हुई बात को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ग्रामर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती होती है। नॉर्मली हम ग्रामर को यूं ही समझकर उसे अवॉइड कर देते हैं लेकिन वो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। ये किसी क्लास से संबंधित नहीं है कि ये हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे या 12th क्लास में स्टडी करेंगे। ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम फ्रॉम वेरी बिगनिंग फर्स्ट क्लास से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ना शुरू तो कर देते हैं लेकिन हमें थ्रू आउट पता नहीं चलता है कि ये एक्चुअली है क्या। हम उनके बेसिक रूट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज फ्रॉम द डिटर्मिनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब देखो आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें डिटर्मिनर्स के बारे में ही नहीं पता है तो हम आज सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या है फिर उसके बाद देखेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है। देखिए सम वर्ड्स लाइक माय योर आर से सम मैनी ए एन दी वन टू थ्री दिस दैट दीज दोज आर जनरली नोन एज डिटर्मिनर्स। कुछ इस तरह के वर्ड्स देखो जो मैंने अभी अभी आपके सामने आपके लिए बोले हैं इस वीडियो में ये वर्ड्स जो हैं उन्हें हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं यानी कि निर्धारक बोलते हैं। अब देखो इनमें से इन्हीं में से मैं कहूंगी आपको डिटर्मिनर्स के कुछ पार्ट्स भी पता चल रहे हैं कि डिटर्मिनर्स कितने तरह के होते हैं मैं आपको जरूर यहां पर बताना चाहूंगी ताकि आपको पता चल जाए। देखिए जब कुछ ऐसे वर्ड्स जो पोजेशन बता रहे हों कि अगर कोई भी चीज है उसका हक किसके पास है उन वर्ड्स को हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं। कौन से डिटर्मिनर्स पोजेसिव कि कौन पोजेस कर रहा है जैसे दिस इज माई पेंसिल यह मेरी पेंसिल है तो मेरी मैं इस पेंसिल को पोजेस कर रही हूं इस पेंसिल का मालिकाना हक या यूं कह लो इस पेंसिल पर मेरा हक है ये मेरी है दिस इज माई बुक दिस इज माई सेल फोन दिस इज योर बैग ये तुम्हारा बैग है। तो इसी तरह से इन तरह के शब्दों को इस तरह के शब्दों को हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स भी होते हैं जो मात्रा बताते हैं सम है मैनी है फ्यू है इस तरह के क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर्स को क्वांटिफायर्स बोला जाता है क्वांटिफायर्स। अब ये देखो इनसे आप फेमिलियर हो ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो नॉर्मली आई थिंक बहुत ही ज्यादा फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से ही ये बातें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं और इन्हें हम बेसिकली आर्टिकल्स बोलते हैं जिसमें से जो दी है वो हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन जो होता है वो हमारा एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें वन टू थ्री ये क्या है ये नंबर्स हैं काउंटिंग होती है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये नंबर्स हैं इन्हें भी हम डिटर्मिनर्स में ही कवर करते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखिए दिस दैट दीज एंड दोज ये चारों क्या हैं इन चारों को डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स बोला जाता है जो मेरा आज का टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो अब पहले तो हम ये देखेंगे कि ये चीजें हैं क्या। डेमोन्स्ट्रेशन करने का मतलब क्या होता है डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है
निर्देशक जो ये बताता हो कि कोई भी पर्टिकुलर चीज कहाँ पर है, उसकी लोकेशन जो बताता हो, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या है। व्हेन दीज वर्ड्स, मतलब ये जितने भी मैंने आपको पोजेसिव के फॉर्म में बताए या क्वांटिटी की फॉर्म में बताए, नंबर्स की फॉर्म में, ऑल दैट, ये जो आपको मैंने अभी अभी बताए हैं, जब ये वर्ड्स नाउन से पहले यूज किए जाते हैं तो इन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है। देखो आप कहोगे कि ये माई, योर, अवर, ये तो प्रोनाउन्स भी हैं, पढ़े हैं ना आपने स्वरनाम। तो यहां पर आपको एक हल्का सा डिफरेंस भी इस वीडियो में देखने को पता चलेगा कि डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस में क्या हल्का सा डिफरेंस होता है। तो जब आप इन वर्ड्स को नाउन से पहले इस्तेमाल करोगे तो उन्हें डिटर्मिनर्स बोला जाएगा। चार तरह के जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव्स, एक है दिस, एक है दैट, एक है दीज और एक है दोज। तो ये फोर टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो बिल्कुल उसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए एक डेमोन्स्ट्रेटिव हमें किसी भी चीज की, समथिंग, किसी भी चीज की लोकेशन बताता है। लोकेशन का मतलब कि वो कहां स्थित है, किसके कंपैरेटिवली, देखो एज कंपेयर टू आर पोजीशन, जहां हम स्टैंड कर रहे हैं या जहां हम बैठे हैं, तो हमारे पास है वो चीज या दूर है, ज्यादा चीज हमारे पास है या ज्यादा चीज हमसे दूर है। तो जब हम किसी भी चीज की अपने कंपैरेटिवली, अपनी पोजीशन के कंपैरेटिवली लोकेशन देखते हैं तो उसे डिफाइन करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज करते हैं। तो इट टेल्स वेदर समथिंग इज नियर टू अस और फार टू अस, जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि कोई चीज हमारे नजदीक है या हमारे दूर है। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जो नियर और फार जो मैंने अभी यहां पर आपको एक्सप्लेन किया, वो डिस्टेंस और टाइम को, डिस्टेंस को या टाइम को डिपिक्ट करने के लिए शो किया जाता है। डिस्टेंस कैसे, देखो अगर ये पेंसिल यहां पड़ी है, अगर ये पेंसिल यहां पड़ी है मेरे पास है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, दिस इज माई पेंसिल, इसे डिफाइन करने के लिए मैंने दिस डेमोन्स्ट्रेटिव का इस्तेमाल किया, जो कि कुछ इस तरह से होगा। देखो अगर कोई चीज सिंगुलर, मतलब एक चीज, जैसे ये पेंसिल एक है, अगर कोई एक चीज हमारे पास है तो उसे डिफाइन करने के लिए हम जिस डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करेंगे उसे दिस बोला जाता है। अगर यही पेंसिल मेरे पास ना होकर दूर पड़ी होती मुझसे, लाइक अगर कोई बुक मेरे से दूर पड़ी है तो मैं उसे कहूंगी दैट इज माई बुक, अगर वो बुक मेरी है तो, ठीक है, अगर वो आपकी है तो हम बोलेंगे कि दैट इज योर बुक, कि वो बुक तुम्हारी है। देखो सिंपल सी बात, ये यह है, जब एक की बात होती है तो हम हिंदी में यह यूज करते हैं, तो यह के लिए दिस का इस्तेमाल होगा। जब हम कहते हैं वह, क्योंकि वो चीज हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है, तो उसके लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हेन समथिंग सिंगुलर थिंग इज नियर टू अस, तो हम उसे डिफाइन करने के लिए दिस डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं। जब कोई एक सिंगुलर चीज हमसे दूर है तो हम उसके लिए, उसे फार डिफाइन करने के लिए दैट वर्ड का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इन्हें प्लूरल सेंस में बात करें, बहुवचन की फॉर्म में अगर बात करें, तो अगर ये ज्यादा चीज हमारे नजदीक हैं तो हम दीज का इस्तेमाल करते हैं, अगर ज्यादा चीजें हमसे दूर हैं वे, तो हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये जो कंसेप्ट था छोटा सा, ये आपको समझ में आ गया। देखो हम बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं जिनमें दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल होना होता है, हम पढ़ते भी हैं इंग्लिश, लेकिन जब यूज करने की बारी आती है, बोलने की बारी आती है, तो हमें कंफ्यूजन होती है, हमें पता नहीं चलता है कि कहां पर दिस का इस्तेमाल होगा, कहां पर दैट का यूज होगा, कहां पर दीज का और कहां पर दोज का, जबकि रिलेटिवली ये बहुत ही आसान होता है इसे समझना, अगर आपको ये कंसेप्ट, ये रूल्स थोड़े से याद रहेंगे तो। अब छोटा सा इनका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, छोटा सा एक
आपके लिए प्रेजेंटेशन है ताकि आपको ये दिस दैट दीज दोज और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको जरूर समझ में आई होगी कि जब एक सिंगुलर चीज की बात थी तो नजदीक होने पर सिर्फ एक सिंगल फिंगर पास थी और जब दूर थी तो एक सिंगल फिंगर ही दूर थी। लेकिन जब ज्यादा की बात की जा रही थी दीज और दोज के केस में तो सारी की सारी फिंगर्स नजदीक थी और जब दूर की बात हो रही थी तो सारी की सारी फिंगर्स ही दूर थी। तो अब हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का हल्का सा डिफरेंस। मैंने आपको बोला था ना कि हल्का सा डिफरेंस होता है डिटर्मिनर्स के बीच में, यानी कि एक निर्धारक के और एक प्रोनाउन यानी कि एक स्वर नाम के बीच में। देखो दोनों ही सेम है, दीज दैट दिस दोज, ये सब सेम है, डिटर्मिनर्स भी यही है चारों और प्रोनाउंस भी यही हैं, लेकिन सिर्फ इनके यूजेज पर डिपेंड करता है कि हम इन्हें किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो इनमें हल्का सा जो डिफरेंस है वो अपने आप फिर आ जाता है। एक को डिटर्मिनर्स बोल दिया जाता है और इन्हीं चारों वर्ड्स को अगर हम और तरीके से यूज करें तो हम इन्हें प्रोनाउंस बोल देते हैं। देखो ऑल्दो वी यूज दिस दैट दीज एंड दोज एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑल्सो, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स इन बोथ दी केसेज। देखो मैंने आपको अभी अभी यही बताया ना कि हम इन चारों शब्दों का इस्तेमाल प्रोनाउंस की फॉर्म में भी करते हैं। तो हम इन्हीं शब्दों को चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की फॉर्म में यूज करते हैं और चाहे हम इन्हें डिटर्मिनर्स के फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। क्या है? बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। देखो आप छोटी क्लासेस से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो संज्ञा है उसे नाउन कहा जाता है और जो सरनाम होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। तो इसका मतलब प्रोनाउन जो है वो क्या करेगा, वो नाउन को रिप्लेस कर देगा, यही करेगा ना। तो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, अभी अभी स्टार्टिंग में आपको जब डिटर्मिनर्स का मीनिंग बताया गया है तो आपको बताया गया है कि ये शब्द जो हैं वो क्या करेंगे, वो नाउन के आगे आएंगे। तो इसका मतलब ये नाउन के साथ आ रहे हैं, ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल हम प्रोनाउंस की फॉर्म में करते हैं तो उस केस में दीज आर नॉट यूज्ड विद अ नाउन, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट ए नाउन, ये एक नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये उसकी जगह ले लेते हैं, ये नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल किए जाते बल्कि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अब मैंने आपको शो की हैं ताकि आपको डिटर्मिनर्स अच्छे तरीके से समझ में आ सकें, ताकि आपको ये प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स के बीच में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं इनके बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। देखिए इज दिस कार योर्स, अब यहां पर देखो बहुत ही ध्यान से, कार एक नाउन है, इसके साथ दिस का इस्तेमाल किया गया है और ये भी याद रखना पहले आएगा। तो ये क्या है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है क्योंकि इसमें जो दिस इस्तेमाल किया गया है वो नाउन के साथ किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इज दिस योर कार, तो उस केस में देखो क्या है, उस केस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इस केस में ये जो दिस का इस्तेमाल हुआ है वो नाउन के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ इशारा करके बताया जा रहा है कि क्या वह कार तुम्हारी है। दोनों में मतलब वही है लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, एक में नाउन के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन दूसरे में नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए उस वक्त वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अब हमारे पास एक और छोटी सी एग्जाम्पल है जो है आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ दोज। अब यहां पर दोज क्या है, इशारा किया गया है कि मुझे वो चाहिए या वे चाहिए। तो अब हमने अभी अभी समझा है ना कि वो या वे ये किस में आएगा, या
जो ज्यादा की बात की जा रही हो और अगर ये चीज हमारे नजदीक नहीं है, दूर पड़ी है, तो हमने दोष का इस्तेमाल कर दिया कि हमें क्या चाहिए कि वो जो दूर चीज पड़ी है वो चाहिए, उसके पेयर चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है, नाउन को रिप्लेस कर दिया है प्रोनाउन ने। हमने उस चीज का नाम नहीं लिया जो दूर पड़ी है, हमने सिर्फ उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज कर लिया। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया दोज इस केस में। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बिल्कुल इसी तरह का ही है, उसमें क्या है, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ दोज शूज। अब यहां पर शूज बताया गया है, तो इसका मतलब नाउन से पहले हम दोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव यूज हुआ है दोज, वो प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं, वो डिटर्मिनर्स की फॉर्म में यूज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनर्स और प्रोनाउन का ये हल्का सा डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेटिव्स के केस में समझ में आ गया। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि हम टाइम एलिमेंट और डिस्टेंस एलिमेंट दोनों को डिफाइन करने के लिए डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नियर और फार के ऑब्जेक्ट्स के बारे में या किसी भी थिंग के बारे में बताने के लिए हम डिटर्मिनर्स का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर तो आपको कुछ कुछ हल्का सा पता लग गया कि डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर हमने टाइम एलिमेंट के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो, समय के आधार पर कोई डिफ्रेंसिएशन अगर करना हो कि आप आज के समय की बात कर रहे हो या जो समय कभी बीता था उसकी बात कर रहे हो, मतलब जो जिस समय की बात कर रहे हो वो अभी अभी है, नजदीक का है, या काफी टाइम पहले वो बीत चुका है, तो उस केस में किस तरह से एक एग्जाम्पल पेश की जा सकती है। देखो, टाइम एलिमेंट के केस में कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, दीज डेज मोस्ट पीपल हैव अ कार। तो देखो, ये आज के टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो नजदीकी समय है जिसकी बात की जा रही है, तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बट इन दोज डेज, अब ये समय बीत चुका है, ये दूर है, नजदीक वाला समय नहीं है, तो इसलिए यहां पर दोज का इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी एग्जाम्पल, जिसमें आपको टाइम एलिमेंट के जरिए भी मैंने समझाने की कोशिश की कि आज के समय में सभी लोगों के पास या ज्यादातर लोगों के पास कार है, लेकिन उस समय जब मैं छोटा हुआ करता था, मैं एक बच्चा हुआ करता था, उस वक्त नो वन ओन्ड अ कार, मतलब किसी के पास कार नहीं हुआ करती थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको छोटा सा कंसेप्ट आज जो डिटर्मिनर्स के बारे में करवाया है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में बेसिकली कहूंगी करवाया है, वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और जरूर समझ में आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोज को, लाइक कीजिए वीडियोज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।